फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को मिली बड़ी राहत। आप मऊ के सदर के विधायक अब्बास अंसारी के ऊपर एनएसए की कार्रवाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया निरस्त। कोर्ट ने कहा यदि अन्य मुकदमे ना हो तो उन्हें रिहा किया जाए। अब्बास अंसारी इस समय उत्तर प्रदेश के कासगंज जेल में बंद हैं। अब्बास अंसारी के अधिवक्ता दयाशंकर मिश्रा ने दी जानकारी। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा व न्यायमूर्ति अनीश गुप्त ने दिया फैसला। बता दें, इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से भी मांगा था जवाब, और ऐसे में क्या कुछ कहना है अब्बास अंसारी के अधिवक्ता दयाशंकर मिश्रा का, आइए दिखाते हैं आपको। अंसारी जो मऊ के निर्वाचित विधायक हैं और श्री मुख्तार अंसारी के सुपुत्र हैं, के विरुद्ध जिला मजिस्ट्रेट चित्रकूट द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिसको सूक्ष्म में कहता हूँ रासुका, की धारा 3-2 के अंतर्गत निरोधादेश पारित किया था, हस्ताक्षरित किया था, जो कासगंज जेल में तामीला जिसका किया गया था, उस आदेश को राज्य सरकार ने 12 दिन के अंदर अनुमोदित किया। तदोपरांत एडवाइजरी बोर्ड की रिपोर्ट पर उसको 3 माह के लिए अनंतिम रूप से पुष्टिकृत किया गया। 3 माह की अवधि समाप्त होने के पहले ही पुनः 6 माह की अवधि के लिए उसको दोबारा पुष्टिकृत किया, जिसको इस आधार पर चुनौती दी गई कि राज्य सरकार को एक बार पुष्टिकृत आदेश द्वारा पारित पुष्टिकृत आदेश पुनः दोबारा पुष्टिकृत नहीं किया जा सकता है। इसको इस पर सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था का उल्लेख किया गया, नवीनतम व्यवस्थाएं जो हैं, पीठ ने आज निर्णय देते हुए उनकी निरुद्धि को अवैध घोषित करके उन्हें तत्काल अन्य किसी प्रकरण में वांछित न हो तो स्वतंत्र करने का आदेश पारित किया है। किसकी कोर्ट में यह फैसला? यह है माननीय न्यायमूर्ति श्री सिद्धार्थ वर्मा जी और माननीय न्यायमूर्ति श्री अनीश गुप्त जी की पीठ में था। विपक्ष की तरफ से इसमें क्या? विपक्ष से यह तर्क प्रस्तुत किया गया था कि वह आदेश 3 माह के बाद कर सकते हैं दोबारा, और एक व्यवस्था दिया उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय की, जिसका मैंने प्रतिवाद करते हुए ये कहा कि ये व्यवस्था नवीनतम व्यवस्था में 3 माननीय न्यायमूर्तियों की द्वारा प्रतिपादित मत के अनुसार वो गलत व्यवस्था है। उसको आधारित करते हुए नवीनतम व्यवस्था पर यह निर्णय दिया गया कि उनको तत्काल यदि किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो उन्हें स्वतंत्र कर दिया जाए। दयाशंकर मिश्र, वरिष्ठ अधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद, मेरे साथ चंद्रकेश मिश्र एडवोकेट एवं देखो दूसरे का। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने वकीलों के लिए एक नई पहल करी है। बार एसोसिएशन ने एक कार्यक्रम के दौरान आज बार कार्यालय में स्टिकर का विमोचन किया है। कार्यक्रम में जहां मुख्य अतिथि के तौर पर शेखर कुमार यादव न्यायमूर्ति शामिल हुए। इस मौके पर बार के पदाधिकारियों ने कहा कि ये सेंसर युक्त QR कोड स्टिकर है, इसकी शुरुआत फिलहाल 4 पहिया वाहनों के लिए किया जा रहा है। जल्द ही अधिवक्ताओं के 2 पहिया वाहनों के लिए भी वाटर प्रूफ इस तरह का QR कोड स्टिकर लॉन्च किया जाएगा, और जिससे कि कोई इसका मिसयूज ना कर सके और अधिवक्ता के नाम को धूमिल ना कर सके, इसके लिए पूरी तैयारी की गई है और इसको स्कैन करने पे उसकी डिटेल आ जाएगी। अलग अलग व्यवसाय करने वाले लोग भी अब हाईकोर्ट का नाम जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियों पर लिखते हैं, उन पर भी कार्रवाई करने के मूड में है बार एसोसिएशन। ऐसे में क्या कुछ कहना है बार के महासचिव नितिन शर्मा का और अन्य अधिवक्ताओं का, आइए। नमस्कार। देखिए, ये बहुत सालों से हम लोग कोशिश कर रहे थे, बार एसोसिएशन की तरफ से था, कि जो मिसयूज़ हो रहा था
इलाहाबाद हाई कोर्ट लिख के, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन लिख के या अधिवक्ता हाई कोर्ट लिख के ये मिसयूज़ हो रहा था, उसको रोकने के लिए कोई पहल किया जाए, कोई कदम उठाया जाए। तो उस पर सब लोगों से विचार विमर्श करके, सीनियरों से एडवाइस लेके, उनके सजेशन लेके, कार्यकारिणी ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सारे मेंबर्स ने मिलकर सोचा कि अपनी गरिमा को बचाने के लिए एक स्टेप लेते हैं जो और दूसरी बार एसोसिएशन दिल्ली में या बॉम्बे में जहाँ पर कर रही थी उस तरीक़ों के देखते हुए और बेटर तरीके से क्या करें। तो निर्णय लेने के बाद एक हम लोगों ने एडवोकेट्स व्हीकल कार आइडेंटिफिकेशन स्टिकर इंट्रोड्यूस किया है आज, वो हर अधिवक्ता जो हमारे यहाँ एक नियमित मेंबर है, वैलिड मेंबर है, उनको इशू होगा। उसके लिए उन्हें अपनी गाड़ी के कागज़ की एक फ़ोटोकॉपी देनी पड़ेगी, अपने ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ोटोकॉपी देनी होगी और ओनरशिप की एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। वो हम लोग आज शुरुआत में किसी के पास, किसी अधिवक्ता के पास अगर दो गाड़ियां हैं तो दो गाड़ियों तक हम लोग सीमित कर रहे हैं, जिसके लिए एक बहुत छोटा सा अमाउंट चार्जेबल किया जाएगा। इस स्टिकर की वैलिडिटी एक साल की होगी, अगले साल 2025 में फिर एक वापस स्टिकर इशू होगा और ये QR कोड बेस्ड स्टिकर है, जिससे कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन भी ये चेक करना चाहेगा कि हमने ये इशू किया है तो वो QR कोड रीड करेगा तो ऑटोमेटिकली हाईकोर्ट की वेबसाइट से वो कनेक्ट हो जाएंगे और उससे ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये स्टिकर नंबर एक इस गाड़ी नंबर पे इशू हुआ है और इस वकील के नाम से इशू हुआ है। जी मान लीजिए कोई अधिवक्ता अगर मिसयूज यानी स्टिकर का कहीं से मिसयूज होता है तो उसके किस तरह से बार एसोसिएशन काम करेगा? उसके लिए हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर ये सारी चीज़ रेजोल्यूशन भी पास किया है कि पहली चीज़ तो इसका मिसयूज करने के लिए टोटल प्रतिबंध लगाया, प्रोहिबिशन होगा, जिसमें कि कोई भी आदमी या कोई भी इसकी कॉपी नहीं बना पाएगा, ना ही स्टिकर का वापस इमिटेशन बना पाएगा। कोई भी इसका मिसयूज करता है तो जितनी कार्रवाई हम लोग कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट से, पुलिस के सपोर्ट से, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अपने आप वो करेगी उनके खिलाफ। जी अभी शुरुआत में फोर व्हीलर के लिए किया है क्योंकि टू व्हीलर्स के लिए भी जल्द हम लोग इशू कर देंगे, वो एक वाटरप्रूफ स्टिकर आएगा क्योंकि ये स्टिकर जो है ये शीशे में अंदर से लगेगा, तो ये कर दिया है। टू व्हीलर वाला स्टिकर भी जल्द 15 दिन के अंदर लॉन्च करेंगे हम लोग। जी थैंक यू। नितिन शर्मा, अधिवक्ता हाईकोर्ट, महासचिव हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जो एक स्टिकर लॉन्च किया है उसका हम सब लोग स्वागत करते हैं क्योंकि ये बहुत उचित था। तमाम नॉन प्रैक्टिशनर या जिनका रिश्ता मारा था किसी अधिवक्ता से, वो सब लोग एडवोकेट हाईकोर्ट या हाईकोर्ट इलाहाबाद लेके चला करते थे। पूरे इलाहाबाद में जब हम लोग घूमते हैं देखते हैं कि हर तीसरी गाड़ी में हाईकोर्ट लिखा हुआ है, बड़ी पीड़ा होती थी। हमारे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने, खासतौर से हमारे जो ज्वाइंट सेक्रेटरी एडमिन सर्वे दुबे जी हैं, उन्होंने परिश्रम करके स्टिकर लॉन्च किया है। इससे अब जो वास्तविक अधिवक्ता हैं जो हमारे हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं उनको यह स्टिकर मिलेगा और उसका पूरा सम्मान मिलेगा। ये आउटसाइडर थे वो अब इससे बाहर जाएंगे। पर ये आमतौर पर देखा गया कि सबके पास फोर व्हीलर नहीं है, टू व्हीलर से भी लोग आ रहे हैं, इसकी पहल कब होगी आपको क्या? हमारे बार एसोसिएशन ने जैसे अभी बोला है कि हम मात्र 15 दिन बाद टू व्हीलर्स के लिए भी हम स्टिकर लॉन्च करेंगे और उनको वाटर प्रूफ स्टिकर दिया जाएगा। ये स्टिकर तो कार के अंदर शीशे के अंदर रहेगा, ख़राब नहीं होगा, और उसके लिए वाटर प्रूफ स्टिकर दिया जाएगा जिससे कि वो पानी या बरसात में कभी ख़राब नहीं। ये बताइए, जैसे बहुत से प्रॉपर्टी डीलर हैं, आपने देखा होगा शहर के पुराने इलाकों में पहले बहुत हाईकोर्ट लिख कर चलते हैं, अब तो स्टिकर लॉन्च हो जाएगा और उनके पर हाईकोर्ट लिखा है तो उन पर किस तरह की कार्रवाई करने का आप लोग? जो हमारे हाईकोर्ट बार का अभी निर्णय है कि जो इस तरह के लोग हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, ठेकेदारी करते हैं खासतौर से कुछ विशेष मोहल्लों में, वो लाही इसीलिए करते हैं कि हम प्रॉपर्टी डीलर या गुंडाई कर सकें, उनको चिन्हित किया जाएगा और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पहली बात तो उनको स्टिकर ही नहीं मिलने पाएगा, फिर भी मान लीजिए किसी कारण से वो स्टिकर प्राप्त कर लेते हैं तो हम उनके मुकदमे चेक करवाएंगे। अगर उनके पास उतने मुकदमे की फाइलिंग नहीं है, इसका मतलब रेगुलर प्रैक्टिशनर नहीं है, हम बाद में शिकायत करेंगे और उनका स्टिकर अपने आप कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक, थैंक यू पाड़ी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। विश्वविद्यालय के संगीत विभाग में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन, देश विदेश के विख्यात संगीत के दिग्गज रहेंगे मौजूद। 6 फरवरी से 8 फरवरी तक चलेगा सम्मेलन। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगीत विभाग और इंडियन सोसाइटी फॉर प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पर कर रहा संयुक्त कार्यक्रम। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ईश्वर टोपा कॉम्प्लेक्स में कार्यक्रम का होगा आयोजन। 6 फरवरी को सुबह 10 बजे ईवी की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन, जहां डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर रीनू जोरी ने दी जानकारी। आयोजन हो रहा है संगीत विभाग के द्वारा, क्या इसका मकसद है और इसमें कौन कौन लोग प्रतिभाग करेंगे? जी, ये मेरा एक बहुत ज़्यादा इस पर बल रहा
कि एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार तो हम लोगों के यहाँ ये एक साल से ये चौथा अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार है, लेकिन सिर्फ कागजी ना हम लोग कोई सेमिनार करें, उसका कुछ उद्देश्य होना चाहिए, उसके पीछे कोई थॉट होना चाहिए। तो हमेशा मेरे सेमिनार करने के पीछे यही रहा है कि जो जीवंत ज्वलंत मुद्दे हैं उनको उठाया जाए और उनमें सारे विद्यार्थी शोधार्थी एक्सपर्ट्स को जोड़कर हम लोग किसी नतीजे पे पहुँचे, ना कि बस दो दिन कुछ बोला, कुछ पढ़ा और कुछ प्रकाशित हो गया और सेमिनार हो गया। तो ये टॉपिक मेरा बहुत ही रेलेवेंट है कि संगीत एवं अन्य विधाओं में नवाचार, और नवाचार आज प्रकृति की अपील है कि कुछ नया होना चाहिए, और परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है। और प्राचीन काल से और वैदिक काल से हम देखते जा रहे हैं कि 500-600 साल पे हर चीज़ अपना स्वरूप बदलती है, और अब वो वक्त आ गया है कि आधुनिक काल में हम लोग जो आज संगीत बरत रहे हैं, स्पेशली अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं तो वो लगभग 500 साल पुराना है। उसमें थोड़े बहुत परिवर्तन हुए, थोड़ी प्रौढ़ता आई है, विकसित हुआ है संगीत, लेकिन वो एक रास्ता से पूर्ण हो गया है। तो अब ज़रूरी है कि हम उस एक रास्ता को छोड़ें, तोड़ें, और कुछ आधार ना बदलते हुए हम उसमें कुछ ऐसी नई गतिविधियां करें, कुछ ऐसे जो नए नए रुझान आ रहे हैं उनको हम इनकॉर्पोरेट करें, सो दैट हम इस परिवर्तन की जो बेला है उसके साथ चल सके। हमारा संगीत जो है वो नवीन जो युग है उसके साथ साथ चले, और इसमें हमें बहुत बदलाव करने होंगे, हमें बंदिशों के पदों में परिवर्तन करने पड़ेंगे क्योंकि वो उस समय के हिसाब से थी। हमारी संस्कृति, हमारा धरोहर जैसे है जी, क्लासिकल संगीत को लोग भूल गए, जैसे पॉप है, रिमेक है आज। उसके लिए ये एनकरेज किया जाएगा कि अब जब ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है तो हम इस चीज़ से बच नहीं सकते कि हम अपने आप को सबसे अलग संरक्षित करके रखे हैं और हमारा पॉप से कोई मतलब नहीं। अब वो लोग हमारा हिंदुस्तानी संगीत खूब जो है रुचि के साथ सीख रहे हैं, उसको बरत रहे हैं, बल्कि हम लोग से ज़्यादा श्रद्धावान वो लोग हमारे गुरुओं के प्रति हैं। तो हमें कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ग्लोबलाइजेशन में अगर हम अपने आप को अलग कैद कर लेंगे तो हम उस रेस में कहीं पिछड़ जाएंगे। जो अपनी संस्कृति है, वो अपने लोग जो भूल जा रहे हैं उनको भूल अपनी संस्कृति को ना भूलते हुए हमें उस संस्कृति को उसके मूल रूप में विश्व के सामने लेकर के आना है, क्योंकि हमारी संस्कृति जो है वो कहते हैं ना, सा प्रथमा संस्कृति विश्वम बारा, मतलब वो पहली संस्कृति है विश्व की, और वो इतनी अच्छी है, और वो हमारे संगीत में, हमारे खान पान में, हमारे रहन सहन में, हर चीज़ में वो झलकती है। हमारी संस्कृति में कहा जाता है तेन त्यक तेन भुंजीता, मतलब त्यागवादी हमारी संस्कृति है, और पूरे वर्ल्ड की भोगवादी संस्कृति है, वो उनके संगीत में भी दिखता है, उनकी हर चीज़ में दिखता है। तो आज आवश्यकता है कि उनको अगर हम अपनी संस्कृति के प्रति आकर्षित करेंगे तो वो भोगवाद से नहीं कर पाएंगे, मतलब हम विशुद्ध रूप से अपनी संस्कृति को लेके आगे बढ़े ना, कि आपको कितनी चीज़ें पेशेंस सिखाता है कि मतलब आप लोग जीवन भर हमारे संगीतज्ञ मेहनत करते हैं, जीवन भर वो लगन से, परिश्रम से, साधना के माध्यम से उस संगीत को वो प्राप्त करते हैं। हमारा तुरंत वाला संगीत नहीं है, जो इंस्टेंट वाला। तो ये सारी चीज़ें जब उन लोगों के पास सच्चे रूप में पहुंचती हैं तो वो लोग मानते हैं, और आज हमारे संगीत को वो लोग भी मानते हैं कि ये बहुत शांति प्रदान करने वाला है। और उनके संगीत से तो कितने हार्ट अटैक्स आ जाते हैं जब वो तेज तीव्र उत्तेजक जो संगीत चलता है। तो हमें अपने संगीत को, अपनी संस्कृति को उसके विशुद्ध रूप में प्रस्तुत करना होगा, ना कि हम मॉडर्न होने का अमली जामा पहन के और फिर हम अपनी संस्कृति का प्रचार करेंगे तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका ये 5-6 को हमने ये कार्यक्रम रखा है, और इसमें सभी विषयों पर चर्चा होगी। यस यस, जर्मनी से मिस्टर पीटर पेंके इसमें जुड़ेंगे हमारे इसमें, और वो एक ऐसे उदाहरण है कि उन्होंने इंडिया आके ध्रुपद सीखा दरभंगा घराने की परंपरा में, और वो आज उसका प्रचार प्रसार जर्मनी में कर रहे हैं, उसमें फ्यूज़न भी कर रहे हैं, वो गिटार उटार बजा के खूब गाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो वो आ रहे हैं। और हमारे पद्मश्री गुंदेचा ब्रदर्स आ रहे हैं, और उन्होंने ध्रुपद जो हमारी एक रेयर एक वो है विधा है गायन की, तो उसको वो सजो के रख रहे हैं। इसके साथ ही हमारे जो एक तबला विश्व का जो सर्वाधिक वैज्ञानिक वाद्य है और सर्वोन्नत अवनद्य वाद्य है, तो उसमें अजराड़ा घराने के उस्ताद अकरम खान जी आ रहे हैं। इसके साथ हमने तंत्री वाद्य में उस्ताद असगर हुसैन जी को बुलाया है, जो वायलिन कहते थे कि विदेशी साज है, लेकिन उसको
सुंदर रागदारी की है कि लोग कई बार तो ये भ्रम करने लगते हैं कि ये विदेशी साज है या हिंदुस्तानी साज है। उन्होंने इतना सुंदर उस पर मतलब अपना वादन जो है वो वादन तैयार किया है उन्होंने उस ढंग से। और इसके अतिरिक्त हमारे एकेडमिशियंस भी आ रहे हैं लाइक राजा मान सिंह तोमर यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर पंडित साहित्य कुमार नारहर जी, और इसी विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति प्रोफेसर स्वतंत्र शर्मा जी, और हमारे मथुरा से आ रहे हैं जो हमारी ओल्डेस्ट संगीत की जो मैगज़ीन है उसके संपादक डॉक्टर राजेंद्र कृष्ण अग्रवाल जी आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं देश की, तो वहाँ के सारे जो डीन हैं, HODs हैं और प्रोफेसर्स हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, वो सब इसमें दो दिन में अपने प्रपत्रों का वाचन करेंगे। और पूरे हिंदुस्तान से, ढाका से तक सारे शोधार्थी और विद्यार्थी इसमें जुड़ रहे हैं जो दो दिन के अंतर्गत अपने प्रपत्रों का वाचन करेंगे और हमारी सांस्कृतिक संध्या होगी। इसमें हम लोग ज़रूर कुछ नतीजे निकालेंगे और उसे इनकॉर्पोरेट भी करेंगे, तभी हमारा सेमिनार की सफलता को मैं मानूंगी। अदरवाइज मतलब मैं उसकी उसकी पक्षधर नहीं हूँ कि बस के चिन्ह पूजा हो, मतलब इसमें ज़रूर कुछ नतीजे निकलेंगे और हम उस पर बिल्कुल अमल करेंगे। और इसकी प्रोसीडिंग्स जो है वो अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में निकलेगी, कुतब अंतर्राष्ट्रीय पीयर रिव्यूड रेफरेड जर्नल में इसकी प्रोसीडिंग्स होगी। और आप लोगों से निवेदन है, आप प्लीज़ दोनों दिन आइए और आप लाइव कवरेज करके खुद अपने विचारों को व्यक्त कीजिए, हम तो एक रिपोर्ट बनाएंगे ही। ज्ञानवापी मामले में जहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने व्यास तहखाने में पूजा की अनुमति दी थी, जिसके पक्ष में मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, आपत्ति दाखिल की थी, जिसके बाद इसी मामले में आज सुनवाई हुई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जहां हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने अपना तर्क रखा और 1991 वर्शिप एक्ट का हवाला दिया, तो वहीं हिंदू पक्ष ने भी इसका विरोध किया और हिंदू पक्ष से विष्णु शंकर जैन ने इसका विरोध किया है, तो फरमान नकवी ने अपने मुस्लिम पक्ष की ओर से पक्ष रखा था। बता दें अब इस मामले में जहाँ कोर्ट ने फैसला सुनते हुए सवाल किया कि आपने 17 जनवरी के आदेश का क्यों विरोध नहीं किया, तो इस पर मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता का कहना था कि अचानक से पूजा के लिए आदेश आया और जिसको लेकर तैयारी नहीं की थी, हम उस पर भी आपत्ति दाखिल करेंगे। ऐसे में अब कोर्ट ने इस पूरे मामले पर 6 फरवरी के लिए सुनवाई की तारीख तय की है और ऐसे में अधिवक्ता सुनील सिंह का क्या कुछ कहना है, पूर्व बार उपाध्यक्ष का, आइए दिखाते हैं आपको क्या कोर्ट ने कहा है और किस तरह से सुनवाई हुई है कोर्ट में आज। मस्जिद पक्ष की तरफ से जो है सीनियर एडवोकेट श्री सैयद फरमान नकवी जी जो है अपीयर किए थे, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज के 31/1/2024 डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के आदेश को चैलेंज किया था और मंदिर पर पूजा करने पर रोक लगाने से उनकी प्रेयर थी, जिसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया था। और मंदिर पक्ष की तरफ से श्री विष्णु शंकर जैन और उत्तर प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता श्री अजय मिश्रा जी अपीयर किए थे और इसमें अगली सुनवाई की तिथि जो है 6 फरवरी 2024 नियत की है। कुछ नहीं कहा है, जो अभी तक आदेश है वो एज इट इज़ है, डिस्ट्रिक्ट जज का आदेश, उस पर पूजा पे रोक लगाने से साफ साफ इनकार कर दिया कोर्ट ने। इस पर फैसला कब आएगा, कब अगली सुनवाई होगी? 6 फरवरी 2024 को अगली जब सुनवाई होगी उसके बाद जो भी कोर्ट का निर्णय आएगा उस पर जो है उससे द्वारा। तो आप कोर्ट में उस समय मौजूद थे जब? मैं कोर्ट में मौजूद था, हालांकि ऑर्डर आया है जो है इसमें 6 फरवरी दिखा रहा है। हाँ, और ये बताइए कि किस तरह से निर्देश दिया गया है कानून व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी को? वहाँ पे जिलाधिकारी को कहा गया है कि वहाँ मस्जिद पे जो है और पूरे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में जो है किसी प्रकार की कोई असुरक्षा ना होने पाए, कोई अनहैपनिंग ना होने पाए, उसके दृष्टिगत रखते हुए लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश को जो है निर्देश दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखे। शुआर्ट्स के कुलपति की दूसरी जमानत अर्जी खारिज। पूर्व भाजपा नेता दिवाकर नाथ त्रिपाठी की हत्या की कोशिश के मुकदमे में शुआर्ट्स के कुलपति प्रोफेसर आरबी लाल की दूसरी जमानत अर्जी जिला अदालत ने खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि याची के खिलाफ कई आपराधिक मामले हैं और जमानत का कोई नया आधार नहीं है, लिहाजा जमानत अर्जी खारिज के योग है। ये आदेश न्यायालय आलोक दुबे ने प्रोफेसर आरबी लाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद अग्रेरी का कहना है कुलपति आरबी लाल के इसके पूर्व 10 जनवरी को जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिसे अदालत ने उसे खारिज कर दिया है और
ऐसे में अब आरबी लाल की दूसरी जमानत अर्जी भी खारिज हो गई है और क्या कुछ कहना है जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद अग्रेरी का, आइए दिखाते हैं। देखिए ये प्रकरण थाना नैनी का है और ये अंतर्गत धारा 307 504 427 आईपीसी का मामला है। वादी दिवाकर नाथ त्रिपाठी पर अभियुक्त आरबी लाल के ललकारने पर उनके साथियों ने गोली चलाई और गोली जो है उनको किसी प्रकार से उन्होंने झुक करके अपनी जान बचाई और गोली उनके गाड़ी के शीशे को चीरते हुए ऊपर निकल गई। अभियुक्त आरबी लाल की जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया और इसमें और मेरे द्वारा ये भी बताया गया माननीय न्यायालय को कि अभियुक्त के विरुद्ध 30 आपराधिक इतिहास हैं जिसमें धर्म परिवर्तन 467 468 अपराधी हैं। माननीय न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय न्यायालय श्री आलोक कुमार दुबे द्वारा अभियुक्त आरबी लाल की जमानत को खारिज कर दिया। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।